नमस्कार, भाग्य की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीव शांडिल्य त्यागी। आज संवत 2080 में बसंत ऋतु चैत्र कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है, जो कि रात्रि 9:13 तक रहेगी। आज 30 मार्च शनिवार का दिन है। आज अनुराधा नक्षत्र रात 10:03 तक रहेगा। आज सिद्धि योग है, कौलव करण है, चंद्रमा का राशि संचार आज सारे दिन वृश्चिक राशि में रहने वाला है। राहु काल सुबह 9 बजे से सुबह 10:30 तक रहेगा। आज यम घंटक योग दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। शुभ कार्य को करने के लिए अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:36 से दोपहर 12:24 तक रहेगा। अब बात करते हैं 12 राशियों के भविष्य फल की। मेष राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन मिश्रित रहने वाला है। आज आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आज आप धर्म तथा अध्यात्म से संबंधित किसी कार्य को कर सकते हैं, जब तक अति आवश्यक न हो। आज आप दक्षिण दिशा में यात्रा ना करें। वृष राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन मिश्रित रहने वाला है। आज आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अतः व्यापारिक साझेदार तथा अपने जीवन साथी के साथ व्यवहार करते हुए संयम तथा धैर्य रखें। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन सावधानी से बिताने का दिन है। आज व्यर्थ के तनाव से बचें। किसी सीक्रेट बात को अपने ऑफिस में अपने साथी से शेयर ना करें। साथी, आज आप कोई ज्योतिष, फेंगशुई तथा वास्तु से संबंधित किसी पुस्तक या वस्तु को भी खरीद सकते हैं। कर्क राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन बहुत शुभ रहने वाला है। आज आपको संतान से संबंधित कोई शुभ सूचना मिल सकती है। संतान को कोई गैजेट गिफ्ट में आज आप दे सकते हैं। आपकी बड़ी बहन या बुआ से संबंधित कोई शुभ सूचना आज आपको मिल सकती है। अब बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए। आज का दिन विशेष सावधानी से बिताने का दिन है। सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को अपने उच्च अधिकारियों से बात करते समय संयम रखना चाहिए तथा किसी वाद विवाद की स्थिति से आज आपको बचना चाहिए। अब बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए। आज का दिन सामान्यतः शुभ रहने वाला है। आज आपको किसी पारिवारिक सेटलमेंट के बाद अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। आज आपका ज्योतिष, टैरो आदि विद्याओं के प्रति रुझान बढ़ सकता है तथा इनको सीखने के लिए आप कोई कोर्स भी आज ज्वाइन कर सकते हैं। तुला राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा, लेकिन आज आपको किसी नज़दीकी मित्र के साथ संबंधों में तनाव आ सकता है। किसी धार्मिक आयोजन में भी आज आप भाग ले सकते हैं। साझेदारी में किसी नए कार्य का आज आप आरंभ ना करें। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन मिश्रित प्रभाव लेकर आएगा। आज आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। भावुकता में आज कोई परिवार से संबंधित किसी विषय पर कोई निर्णय ना लें। साथ ही आज आपकी संतान की किसी स्टील माइन या ऑयल से संबंधित कंपनी में जॉब भी लग सकती है। अब बात करते हैं धनु राशि वाले जातकों का। आज का दिन बहुत ही शुभ रहने वाला है। आज आपकी वाक्पटुता तथा बुद्धि चातुर्य बड़ा रहेगा। विद्यार्थियों तथा महिलाओं के लिए आज का दिन खुशियों से भरा रहने वाला है। स्त्रियों तथा युवतियों को आज स्वस्थ पुत्र संतान की भी प्राप्ति हो सकती है। मकर राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन नई संभावनाओं को लेकर आ रहा है। आज संतान से संबंधित आपको कोई शुभ सूचना भी प्राप्त हो सकती है। अचानक धन प्राप्ति के योग बनते हैं। साढ़े सती के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए आपको ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला पर 108 बार नित्य प्रति जाप करना चाहिए। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन सावधानी से बिताने का दिन रहेगा। आज आप व्यर्थ के पारिवारिक तथा झगड़ों से बचें। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। उच्च अधिकारियों से धैर्य के साथ बातचीत करें। अब बात करते हैं मीन राशि वालों जातकों के लिए। आज का दिन सावधानी से बिताने का दिन रहेगा। आज आपको परिवार के किसी बुजुर्ग के द्वारा किसी वस्तु या संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। आज आपके परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन भी हो सकता है। अब बात करते हैं उन बच्चों के लिए जिनका पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं लगता है। ऐसे बच्चों को आप पूर्व दिशा के कमरे में उनका स्टडी रूम बनाएं तथा उनकी स्टडी टेबल के ऊपर सरस्वती माता जी की एक छोटी सी फोटो लगाएं तथा एक ग्लोब को भी उस पर रखें। इससे आपके बच्चे का पढ़ाई के अंदर कंसंट्रेशन बहुत अच्छी तरीके से लगना शुरू हो जाएगा। भाग्य की बात में इतना ही। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।